95 पे और उसके बाद 602 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है देखिए मेटल्स में इनफैक्ट एक पिछले दो-तीन दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेटल्स अब एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको एक हर वीकनेस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि एक मैक्रो थीम है चाइना वाली जो जो थीम है और ये तीन दिन से लगातार ये प्ले हो रहा है परसों तो जबरदस्त मूव था कल और आज एक मूव आया है अच्छा जेएसपीएल की बात हुई है जेएसपीएल पर परसों का यानी ये

उट नॉर्मली ट्रेड कराए थ्री तो फर्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट राउंड फिगर है वो सिक्स हंड्रेड लेकिन मुझे नहीं लगता है सिक्स हंड्रेड में रुकेगा सिक्स हंड्रेड भी पार कर लेगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जो बाइस रन मिला है वो कम से कम दो तीन बार तो चलेगा अब मैं मंथली बार, बार की बात कर रहा हूँ तो दो या तीन महीने तक मुझे अपवू नजर आता है जिंदल स्टील में तो यस अपू ऑन है एंड राइट द ट्रेंड मैं कहूंगा तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप इस पर नज़र ज़रूर बनाए रखें इनफैक्ट uh, uh, हम एक और चीज़ जो नोटिस करते आए हैं जब अमेरिकी मार्केट्स की बात हो रही थी कि नेस्टा क्यूपिटा क्योंकि टेस्ला एक लार्जर अंडर परफॉर्मर था और उसी को मैं एक्सट्रपोलेट करने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर फिर भारत में जो कंपनियाँ जो टेस्ला की सप्लायर्स uh, हैं जो टेस्ला की तरह अपने ईवी बिजनेस को स्केल करने में लगी है क्या उन पर भी थोड़ा सा इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि कम डिमांड का ही प्रॉब्लम था संजीव होता सोना बी या फिर सोना कॉमस्टार टेस्ला को कई सारे पुर्जे सप्लाई करता है ये स्टॉक इतना टूटा नहीं है जितना शायद टेस्ला टूटा हो लेकिन क्या टेस्ला के बिजनेस पर अगर कोई आ चाहती है तो यहाँ पर भी एक ओवरहैंग देखने को मिलेगा क्या यहां पर आपको लग रहा है पोजिशन लिक्विडेट होना शुरू हो सकती है आप म्यूट पर हैं सर नहीं